हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। वी आर बैक फॉर द अनदर वीडियो। तो फाइनली आज हम आ चुके हैं बजाज के शोरूम में, जेम्स बजाज में, और हमारे ठीक सामने खड़ी है बजाज पल्सर की NS160। दिस इज द लेटेस्ट मॉडल, मतलब नए डिज़ाइन में आई है, नए लुक में आई है, नए कलर में आई है। बहुत चेंजेस हो चुके हैं इस गाड़ी में। राइड रिव्यू किया है मैंने और आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा ये गाड़ी आपको लेना चाहिए नहीं। अगर आपका बजट है अराउंड 1,65,000 के आसपास तो ये गाड़ी आपके लिए अच्छी हो सकती है या नहीं, पूरा डिटेल में बताऊँगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के लुक के बारे में भाई। तो साइड से इस गाड़ी का लुक कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं साइड प्रोफाइल से, तो भाई ये गाड़ी NS200 की तरह ही लगती है। और स्पेशली ये जो मैट ब्लैक कलर यहाँ पर देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा सेक्सी देखने को मिलता है। मतलब आप देख सकते हैं गाड़ी के लुक को भाई, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिलता है। चाहे फ्रंट से साइड से देख लो, फ्रंट साइड से दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए फ्रंट से देखो या साइड से देखो या फिर एकदम साइड से देखो, कहीं से भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि भाई लुक्स में बिल्कुल कमी है। तो भाई लोग, मैं आपको बता दूँ इस गाड़ी में खासियत क्या है। अब बात करनी है हमने लुक्स में, तो लुक्स में मैं यार सबसे बेस्ट लुकिंग बाइक को बोलूँगा 160cc कैटेगरी में। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं गाड़ी में। तो सबसे पहले बात करें चेंजेस की, तो भाई इस गाड़ी में आपको अब देखने मिलता है ड्यूल चैनल ABS, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ABS बाय ड्यूल चैनल ABS। और यहाँ पे फ्रंट के टायर में भी आपको ABS देखने मिल जाएगा, उसके साथ साथ यहाँ पर रियर के टायर में भी आपको ABS देखने मिल जाता है। अब बात करते हैं बाइक की ब्रेकिंग के बारे में, तो यहाँ पर गैरिमिका का कैलिपर्स आपको देखने मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपको NS200 में देखने मिलता है। सेम वही चीज़, वही बॉडी, वही डिज़ाइन यहाँ पे देखने मिल जाता है। बट आपको एक चेंजेस की बात करूँ तो चेंजेस में आपको यहाँ पे ये देखने मिलेगा कि जैसे गाड़ी की जो इंजन होती है, इंजन के पास यहाँ पे आपको किक स्टार्ट देखने मिल जाता है, जो कि आप सो गाइस यहाँ पे जैसे कि आपको ड्यूल स्टैंड आपको देखने मिल जाता है, वैसा सेम आपको यहाँ पे स्टैंड भी देखने मिल जाएगा। ग्राफिक्स और डिज़ाइन की बात करें तो भाई ग्राफिक्स आप देख लो कितनी अच्छी ग्राफिक्स डिज़ाइन में आता है। यहाँ पे आपको पल्सर का लोगो देखने मिल जाएगा, ब्लैक एंड रेड में कॉम्बिनेशन देखने मिल जाएगा, फ्यूल इंजेक्टेड यहाँ पे लिखा हुआ देखने मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर बात की जाए रियर की, तो रियर में आपको सिल्वर और रेड कलर की ग्राफिक्स और डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और सेक्सी लुक्स के साथ आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं NS आपको रेड कलर में देखने मिल जाएगा। 160 यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टीकर काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यूज़ की गई है इस बार। और बात की जाए तो भाई ओवरऑल लुक्स के मामले में मैं तो 10 out of 10 दूंगा। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो भाई इसका इंजन आता है 160cc का इंजन, 159cc ऑयल कूल इंजन आता है। NS200 में आपको मिलता है लिक्विड कूल इंजन, इसमें मिलता है ऑयल कूल इंजन। तो भाई अगर बात की जाए इंजन के बारे में, तो इंजन के मामले में 160cc के हिसाब से ये पावर तो प्रोड्यूस करती है, बट 6000 RPM के बाद, मतलब आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा पावर फील होगा फर्स्ट गियर में, बट अगर आप सेकेंड थर्ड गियर में चला रहे हो तो आपको 6000 RPM के ऊपर अगर आप जाएंगे तभी आपको इसका एक्चुअल पावर फील होगा। और ये गाड़ी में आपको लिक्विड कूल इंजन नहीं देखने मिलता, इसमें मिलता है ऑयल कूल इंजन। इसमें आपको देखने मिलते हैं USD फोक्स, जैसे कि आप देख सकते हैं USD फोक्स आपको देखने मिल जाएंगे। फ्रंट में जो इसका मड गार्ड है वो पूरी तरीके से चेंज आपको देखने मिल जाएगा। इसमें कार्बन फाइबर का डिज़ाइन आपको देखने मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फ्यूल टैंक की बात करें तो यहाँ पे 12 लीटर का फ्यूल टैंक जैसे आपको NS200 में मिलता है, सेम वही चीज़ मिलेगी। मतलब NS200 का पूरा बॉडी है, ओवरऑल सब कुछ है, बस चेंजेस है इंजन की। और यहाँ पे इसकी एवरेज की बात करें तो इसकी एवरेज पकड़ लीजिए, आपको एवरेज देखने मिलेगी अराउंड 45, मतलब 40 के आसपास एवरेज देखने मिल जाएगी, उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करिए। 45 तो नहीं बोलूँगा, 45 तो इसका जो NS125 आता है उसमें हो सकता है पॉसिबली। अब इसके बाद यहाँ पे बात की जाए तो स्पीडोमीटर की बात करें तो स्पीडोमीटर में आपको ये चेंजेस देखने मिल जाएंगे, जैसे कि एनालॉग मीटर आपको देखने मिलता था। गियर पोजीशन इंडिकेटर एड ऑन हो चुका है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं इस गाड़ी में आपको मिलते हैं 5 गियर। साइड स्टैंड का सेंसर देखने मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये बटन्स में थोड़े से चेंजेस प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बटन्स है आपको थोड़े से अलग स्टाइल और नए लुक के साथ देखने मिलते हैं। इंडिकेटर के इंडिकेटर ऑन करने के बाद देखें तो इंडिकेटर जो है इसका हैलोजन इंडिकेटर देखने मिलता है, जैसे कि आपको अदर्स गाड़ी में देखने मिलती है। LED इंडिकेटर्स आपको नहीं देखने मिलते हैं NS160 में। तो भाई मैं आपको सब चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे, आप ध्यान से समझ लीजिए। इस गाड़ी में मिलता है मोनोसॉफ्ट सस्पेंशन नाइट्रॉक्स का, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए
एमआरएफ के टायर देखो मिल जाते हैं 130 सेक्शन के रियर वाले, और फ्रंट के देखें तो 100 सेक्शन के टायर देखो मिलते हैं 17 इंचेस के। ओवरऑल देखें तो गाड़ी का लुक बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा अगर आपका बजट थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा NS 200 की तरफ जाना चाहिए, ना कि ये गाड़ी लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 165 के आसपास इसकी प्राइस पड़ रही है। 175 में आपको NS 200 का अलग ही पावर, अलग ही फील मिल जाएगा, हर गियर में अलग ही जोश मिल जाएगा। बट अगर आपका मतलब ऐसा सोचना है कि भाई हमको चाहिए एवरेज और ज़्यादा मुझे पावर से लेना देना है नहीं, और ऑयल कूल इंजन भी चलेगा, 5 गियर भी चलेगा, तो भैया आप इसको ले सकते हैं, ये आपके मतलब ऑप्शन ऐड ऑन हो सकता है। अब उसके बाद बात करें तो क्या चेंजेस है, तो भैया यहाँ पे देखेंगे कि तो यहाँ पे टैंक पैड आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं टैंक पैड है, मतलब राइडर को चोट ना लगे उसके लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया है। उसके साथ साथ यहाँ पे इसके लिए ये इसके लिए भी यूज़ होता है, जैसे कि राइडर का जो पैर होता है वो यहाँ पे टच होता है, उसके साथ साथ क्या होता है कि यहाँ पे पेंट जो है वो कुछ दिन के बाद वहाँ पे पेंट की कलर निकलने लगते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे टैंक पैड प्रोवाइड किया गया है। और रियर का देखें तो रियर में आपको देखने मिलता है ग्रैब रेल्स को देख सकते हैं, ये है रियर इसका लुक। एक बार इसका गाड़ी का आवाज़ सुना देते हैं, तो कुछ ऐसा आवाज़ आपको देखने मिल जाएगा, ऐसा आवाज आपको देखने को मिलता है इसके 160 सीरीज में, ऐसा आवाज आप देख सकते हैं। इसका जो साइलेंसर है वो है यहाँ पे छोटा सा, ये देखिए यहाँ से आवाज आ रही है, ये इसका साइलेंसर है, छोटा सा बना है डीजर। तो फ्यूल इंजेक्टेड के साथ ये इंजन आता है, एक बार इसका आवाज सुनाते हैं, इसके बार रिकॉर्ड नहीं हो पाया तो देखते हैं। तो कुछ ऐसा आवाज़ आपको देखने को मिल जाता है NSK 160 में। और मैंने हर एक चीज़ बता दी, अगर आपका बजट है अराउंड 1,65,000 के आसपास तो ये गाड़ी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकती है, और अगर आप थोड़ा सा पावर ज़्यादा चाहिए, थोड़ा अलग फील चाहिए, 6 गियर चाहिए, तो आप NS 200 की तरफ जा सकते हैं, जो कि इसका बड़ा भाई है और उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा आपको तगड़ा देखने को मिल जाएगा। और अगर आप कुछ इसमें एडवांस भी कराना चाहते हैं तो बिल्कुल करा सकते हैं, बाहर से आप इसमें मैं तो बोलूँगा इंडिकेटर लगवा लो, LED और LED लाइट लगवा दो, बाकी गाड़ी एकदम परफेक्ट है। सो गाइस यहाँ पे मेरा वीडियो खत्म हो रहा है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।